डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि सर, आज आप देखेंगे प्रश्नावली क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2। इसके पहले आप प्रश्नावली 2.1 पढ़ चुके हैं। आज आप देखेंगे दिया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस आपका दिया है 64 वाई क्यू दिया है, इसको आपको गुणनखंड करना है। तो इसमें सर्वसमका का यूज़ करेंगे। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर इसको बना सकते हैं। सर्वसमका देख लीजिए, यहाँ पर आपका होता है ए क्यू माइनस आपका जो बी क्यू होता है, आपका होता है एक ब्रैकेट में आपका होता है ए माइनस बी, आपका दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका होता है ए बी। इस सर्वसमका का यूज करके इसका गुणनखंड करना है। तो इसको पहले सबसे पहले हम जान लेंगे, इसको बना लें। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 4y, इसका टोटल टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे ए क्यू माइनस वी क्यू का, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का पद वर्ग हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 4y का आपका वर्ग हो जाएगा, प्लस ए बी होता है तो a का b में गुणा कर देंगे, यानी x का आप 4y में गुणा कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्यूशन इसका करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स माइनस 4y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4y का स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 16, y का स्क्वायर करेंगे तो आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, और x का गुणा 4y में कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 4x इंटू वाई। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रकार इसका सी पार्ट देखते हैं, बी आप इसी तरह कीजिएगा। इसका सी पार्ट देखते हैं, प्रश्नावली सी का दिया हुआ आपका, आपका सी दिया हुआ है 125 आपका आर क्यू माइनस आपका दिया हुआ है एक्स क्यू, इसको भी इसी सर्वसमका के यूज के सॉल्व करना है। इसको भी देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप 5 का क्यूब लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 125 को 5 गुड़े 5 5 पचे 25 पचे 125 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, क्योंकि तीनों पे एक घात है, आधार समान है, तो इसको भी लिख सकते हैं 5r का टोटल टू द पावर क्यूब माइनस s का टोटल टू द पावर क्यूब हो जाएगा। तो अब आपका ए क्यू माइनस वी क्यू हो गया, सेम फार्मूला यूज करेंगे तो आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5r माइनस आपका हो जाएगा s, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो आपका ए स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 5r का स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर यानी s का स्क्वायर प्लस आपका ab होता है, यानी 5r में s से आप गुणा कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से इसका थोड़ा सा और सॉल्यूशन करेंगे, तो 5r माइनस f का s हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 5 का वर्ग करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, ये r स्क्वायर प्लस s का हो जाएगा s स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 5r इंटू आपका s हो जाएगा। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसका आपका कौन सा देख लेते हैं, जो हार्ड उसको बता देते हैं। इसका 1 का g पार्ट देख लेते हैं, चलिए इसका जी पार्ट देखिए। 1/ दिया है आपका 343 माइनस 1/ जेड क्यूब दिया है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 343 होता है वर्ग घनमूल याद किए होंगे, 7 का क्यूब होता है तो इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/ जेड का टोटल का क्यूब लिख सकते हैं। आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला फाइंड आउट कर दीजिए उससे। यहाँ से हो जाएगा आपका ए माइनस बी यानी आपका ब्रैकेट में हो जाएगा 7 माइनस 1/ आपका हो जाएगा जेड, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, तो यानी आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 1/ जेड का स्क्वायर आपका प्लस आपका हो जाएगा ए बी, यानी दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 7 गुणे आपका 1/ जेड हो जाएगा। यहाँ से इसका थोड़ा सा और सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7 माइनस 1/ आपका जेड हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आपका 49 होता है, प्लस आपका 1/ आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का गुणा 1 में करें आपका 7/ आपका जेड हो जाएगा। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हुआ। चलिए इसका के पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा अलग दिया हुआ आपका, ये आपको सर्वसमका यूज करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू सर्वसमका यूज करना है, ए माइनस बी आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका ए बी। तो यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको ए क्यू माइनस बी क्यू दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे पहले आप देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे कॉमन दिखाई दे रहा है तो पहले में आपका एक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए वाई है, तो यहाँ पर हम x और y दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपका बच जाएगा x निकल चुका है, तो यहाँ पर आपको बचेगा एक्स क्यू माइनस, यहाँ से आपका एक y यहाँ से आ गया है और x आ गया है, तो यहाँ पर आपका बचेगा वाई क्यू। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर x इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे आपका ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस आपका होता है बी स्क्वायर प्लस आपका होता है ए बी। ये इसका सोल्यूशन हो गया। इस प्रकार इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आगे देखिए इसी का, इसमें 10 पार्ट दिया है जिसमें मैं 4 पार्ट बता चुका हूँ, इसमें एक और देख लीजिए कोई भी, जैसे आपका दिया हुआ है ओ का
27 एक्स क्यू माइनस आपका दिया है 8 वाई क्यू, इसका इसी सर्वसंख्या का यूज की सहायता से बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x का टोटल टू द पावर क्यूब माइनस 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2y पर टोटल टू द पावर क्यूब। यहाँ से आपका ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, ए की जगह आपका 3x हो गया और बी की जगह आपका 2y हो गया। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे आपका ए माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में, तो 3x माइनस आपका हो जाएगा 2y, और सेकंड ब्रैकेट में आप देखेंगे पहले पद का वर्ग हो जाएगा यानी 3x का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे पद का वर्ग हो जाएगा यानी आपका 2y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका दोनों पदों का आपस में गुणा कर देंगे तो यानी 3x गुणे आपका हो जाएगा 2y। यहाँ से थोड़ा सा और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस आपका हो जाएगा 2y, और दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2y का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपका 3 दुना आपका यहाँ से 6 हो जाएगा और x इंटू वाई हो जाएगा। इस प्रकार इसका सोल्यूशन हुआ। तो प्रश्नावली 1.2.2 के फर्स्ट खंड में 10 पार्ट थे जिसमें हमने 5 पार्ट बता दिया, 5 अपने मन से करेंगे। चलिए प्रश्नावली 2.2 का दूसरे का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपका दिया हुआ है 173 × 173 × 173 प्लस 127 × 127 × 127, और नीचे आपका दिया है 173 × 173 यानी 173 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी दिया है प्लस आपका 127 का स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे इस सर्वसंख्या का यूज करना है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो थोड़ा सा इसका ध्यान देंगे, सरल करना आपको इसको, इन क्वेश्चन को सरल करके छोटा करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ ऊपर 173 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो घात एक है, तीनों का आपस में घात जुड़ जाएगा, आधार समान है, प्लस आपका यहाँ भी 127 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि इनका भी घात आपस में जुड़ जाएगा, आधार समान है। यहाँ से नीचे आपका हो जाएगा 173 × 173 − 173 × 127 प्लस आपका हो जाएगा 127 × 127। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है, आपका ध्यान से देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी आपका प्लस आपका होता है बी स्क्वायर, ये ध्यान देंगे। और इसको इसी का फार्मूला आप यहाँ भी यूज़ करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू है तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 173 प्लस आपका हो जाएगा 127, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 173 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी आपका हो जाएगा 127 × 100 आपका 73 हो जाएगा, और प्लस आपका होता है बी स्क्वायर यानी 127 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान देखेंगे नीचे इसका थोड़ा सोल्यूशन कर लेंगे, 173 का ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर आपका माइनस 173 गुड़े आपका हो जाएगा 127 प्लस आपका हो जाएगा 127 का स्क्वायर, यहाँ भी लिख सकते हैं तो 127 का यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देखेंगे यहाँ पर इस पूरे पद से इसका ये जो पूरा पद है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपका ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपका बच गया 173 प्लस आपका बच गया 127, इसका थोड़ा सा और सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 3 में 7 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 7 × 9 = 10 का 0 हो जाएगा, 1 × 1 = 2 आपका 3 हो जाएगा, यानी इसका सरल करने पर छोटा आंसर आया है 300। चलिए इसका मान ज्ञात करना है, इसमें भी इसी प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। इसमें दे दिया ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, अपना नीचे दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी दिया है और प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो सर्वसंख्या आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर आपका होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस आपका ए बी होता है और प्लस आपका होता है बी स्क्वायर। इसका आप सर्वसंख्या का यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 0.52 में से 0.43 आप घटा देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 0.52 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 0.52 × 0.43 प्लस आपका 0.43 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ नीचे देखिए यहाँ पर 0.52 का स्क्वायर प्लस 0.52 × 0.43 और प्लस आपका हो जाएगा 0.43 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान देखेंगे आप इस पूरे पद से आपका ये पूरा पद कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर घटा लेंगे आप 0.52 में से माइनस कर लेंगे 0.43 घटाएंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर 0.52 है और 0.43 है, 12 में से 3 जाएगा पर 9 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 10 में से 7 और 0 हो जाएगा, यानी आंसर इसका आ जाएगा 0.09। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 समाप्त नहीं हुआ है, इसके ऊपर आगे हम बताएंगे लेक्चर 13 में। तो धन्यवाद।